हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुधीर ऑनलाइन नोटिफिकेशन में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL माइनिंग सरदार एंड सर्वेयर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जिसमें कि सभी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं मोबाइल से ही स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक अप्लाई करके बताऊंगा। तो इसमें देखिए, अप्लाई करने के लिए इसका देखिए, सबसे पहले इसका पोस्ट जो है कुल पोस्ट 405 पोस्ट है और इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है। नीचे स्क्रॉल की इसका इम्पोर्टेंट डेट्स जो रखा गया है वो 1 दिसंबर 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट 22 दिसंबर 2022 तक रखा गया है। इसमें एप्लीकेशन फीस SC ST एंड PH कैंडिडेट को यहाँ पे 0 रुपया यानी कि पेमेंट नहीं लग रही है एंड अदर कास्ट के जैसे 1180 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। एंड इसका एज लिमिट के बात करें तो मिनिमम एज इसका 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम एज 30 ईयर रखा गया है, जिसे 22/12/2022 से पहले आपको 18 ईयर्स हो जाना चाहिए। इसमें नीचे आएंगे, इसमें देखिए कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बताया गया है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है और 2 पोस्ट है इसमें। देखिए यहाँ एक मीनिंग सरदार का, एक सर्वेयर TS का पोस्ट है और दोनों में कैटेगरी वाइज बताया गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए पोस्ट वाइज एज लिमिट जो कि क्वालिफिकेशन जो है सो पोस्ट वाइज बताया गया है। मैं आपको अप्लाई फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ, तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर NCL रिक्रूटमेंट का चले जानी है, जिसका मैं लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक का सीधे सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन आपको जाननी है तो सीधे क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को जान सकते हैं। चलिए मैं यहाँ अप्लाई करने का फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो क्लिक हेयर का ऑप्शन जो आ रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कर देने के बाद अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो ऊपर में जो अगर सबसे पहले आपको मोबाइल को लैंडस्केप में लेनी है और ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे एंड मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में कर लेनी है। उसके बाद देखें यहाँ रजिस्टर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेटिंग करना है कुछ, देखिए उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का आपका फर्स्ट पेज ओपन हुआ जो आपको कुछ इस प्रकार। तो सबसे पहले पोस्ट नेम, आपको पोस्ट नेम यहाँ से चूज कर लेनी है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। 2 पोस्ट है, एक मीनिंग सरदार का है, एक सर्वेवर का है। तो सिंपली जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो पोस्ट नेम चूज कर लेंगे, उसके बाद पोस्ट कोड आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखें कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपको यहाँ आपको अपना यहाँ फर्स्ट नेम आपको लिख देनी है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार लिखेंगे। यहाँ देखिए मिडिल नेम, अगर आपको मिडिल नेम है तो मिडिल नेम देंगे, नहीं तो यहाँ लास्ट नेम दे देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग, जो कि एक कैलेंडर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के अनुसार चूज कर लेनी है, जो कि बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देनी है एंड यहाँ कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, 2 RS मोबाइल नंबर डाल देनी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपके पास दूसरा कोई और मोबाइल नंबर है तो यहाँ डाल सकते हैं, इंटरनेट मोबाइल नंबर में इसे डालना जरूरत नहीं है, आप डाल भी सकते हैं ना भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में आपका ईमेल आईडी डालना है, यहाँ 2 RS ईमेल आईडी डालना है, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस क्योंकि उस पर OTP जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और सभी मोबाइल नंबर ईमेल डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने ओपन हुआ, वो एक कैप्चा को आपको फिलअप करना है, सबमिट पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आपको ओपन होगी जो कुछ इस प्रकार होंगे, जो आपको देखिए यहाँ काइंडली OTP रिसीव ऑन योर ईमेल, तो आपको ओके पर क्लिक कर देनी है, यहाँ बैक आ जानी है आपको, तो सीधे आपको यहाँ देखेंगे यहाँ एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ इंटर OTP का यहाँ ऑप्शन आया, सिंपली इसमें OTP आपको डाल देनी है जो कि ईमेल पर OTP गया है, वो OTP डालेंगे एंड वैलिड डेट OTP पर क्लिक करेंगे।
देंगे यहाँ मोबाइल एंड ईमेल वेरीफाई हो जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड एग्री पर क्लिक करेंगे एंड एक कैप्चा जो दिखाई दे रहा है आपको इनबॉक्स में फिलअप करना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है, रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद चेक रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें जो इस प्रकार इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ जो भी है डिटेल दिया हुआ इनबॉक्स में आपको सही में टिक लगाना है कि मैंने जो दिया वो सही सही फिल किया। देखेंगे इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देनी है कि जो भी मैं डिटेल डाला वो सही सही फिलअप। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ बताया जा रहा है ओके पर क्लिक कर देने हैं। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको होगी सामने जो कि मैं आपका दिखाता हूँ। यह एप्लीकेशन डिटेल आपको बताया जा रहा है क्योंकि इसे क्लोज कर देनी है। एंड यहाँ देखेंगे कुछ आपका एप्लीकेशन डिटेल के सारा दिखाई दे रहा है जो आपने आवेदन किया। एंड आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देखेंगे गो टू एप्लीकेशंस यहाँ आपको बताया जा रहा है कि गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे जो कि ऊपर में जो देखेंगे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने जो हुआ जो कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर्सनल डिटेल आपको डालना है जो भी आप अपने आवेदन किए वो आपको देन जो कि यहाँ मेंशन है। अब आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस आपका जो है वो मैरिटल एंड मैरिड है, मैरिड है वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ आपको फादर नेम लिख देनी है और यहाँ मदर नेम लिखना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ आपको मोबाइल नंबर दर्शाया जाए, ईमेल आईडी बताया जा रहा है, यहाँ पोस्ट डिटेल्स आपको बताया जा रहा है जो भी आपने पोस्ट डिटेल दिया है, या नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। देखिए यहाँ मैं सारा डिटेल डाल दूँ। यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कैटेगरी है वो चूज करेंगे और चूज कर लेने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। आपका सेव ले लेगी आपको सक्सेसफुली। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट डाटा जो है कि सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका जैसे सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने ओपन हुआ वो हुआ एडिशनल डिटेल्स। आपको यहां से एडिशनल डिटेल्स आपको फिलअप करना है जो भी आपका एडिशनल डिटेल्स है वो अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है एक सर्विसमैन, क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। यहाँ पूछ रहा है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एम्प्लॉई, अगर आप CIL का एम्प्लॉई के भी बने हैं तो सिंपली यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे एम्प्लॉई गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट बॉडी PUC में कभी आप एम्प्लॉई हैं सरकारी तो सीधे यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर। अदर डिटेल आपको यहाँ बताया जा रहा है कि 2017 से पहले आप रेगुलेशन सर्टिफिकेट ओवरमैन का DGMS का अंडर का सर्टिफिकेट है तो सिंपली आपको यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर। यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ आपको यस पर कहीं क्लिक कर देनी है जी क्योंकि यहाँ आपको सर्टिफिकेट मांगता है। आप पोस्ट के अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पास सर्टिफिकेट मांगेगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस डू यू हैव वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, आपका जो है सो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है गैस का वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर सिंपली आपको क्लिक कर देनी है। देखिए यहाँ मैंने मीनिंग सरदार का आवेदन कर रहा हूँ तो सिंपली आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है एंड इसका एलिजिबिलिटी आपको होनी चाहिए। उसके बाद डू यू हैव वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, क्या आपका प्राथमिकता जो है सो पहला प्राथमिकता का आपने आवेदन किए हैं तो सिंपली यस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ सेव पर क्लिक कर देनी है। आपको सेव हो गया, उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे डाटा सक्सेस फुल्ली। अब आपका कम्युनिकेशंस सेकेंड आपका हुआ सर इंटरफेस आपका कम्युनिकेशन डिटेल जो कि एड्रेस का कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। देखिए यहाँ एड्रेस वन में आपको यहाँ आपको एड्रेस वन में अपने अकॉर्डिंग देंगे जैसे कि पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, विलेज हो गया, सारा एड्रेस वन में डालेंगे। एड्रेस टू है कंपलसरी नहीं है, आप इसमें दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। कंट्री आप अपना चूज कर लेनी है। देखिए यहाँ आप मोबाइल से करेंगे तो थोड़ा आपको परेशानी होगी लेकिन आपका सही सही फिलअप हो जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे कंट्री चूज करने के बाद आपको यहाँ से स्टेट को चूज कर लेनी है, जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ से सिंपली चूज कर लेनी है। स्टेट के चूज करने के बाद नेक्स्ट आपका है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग उसी प्रकार। तो देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, यहाँ अपने एरिया का
पिन कोड लिख देंगे, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो लिख देंगे, उसको देखेंगे। परमानेंट एंड परजेंट एड्रेस अगर आपका दोनों सेम सेम है तो सिंपली आपको यस पर क्लिक कर देनी है, अगर सेम सेम नहीं है तो सिंपली आपको इसे दे देनी है अपने अकॉर्डिंग जो भी है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं यहाँ सारा डिटेल डाल दिया हूँ, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक, आपका डाटा सेव हो गया, ओके पर क्लिक करेंगे, सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसको देखें आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ डालना होगा, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्वालिफिकेशन का हुआ। तो यहाँ सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का आपको यहाँ से डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ बोर्ड नेम डाल देनी है, ये देखेंगे आपका जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं वो बोर्ड नेम डालेंगे। और यहाँ आपको स्कूल नेम, आप स्कूल का नाम डालेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, आप किस स्टूडेंट स्कूल से पास हुए वो डालेंगे। एंड आपको यहाँ से परसेंटेज आपको यहाँ से चूज कर लेनी है, आपका जो है रिजल्ट जो है परसेंटेज में है, सीजीपी में है, ग्रेड में है, किस भी जिस माध्यम में है वो आपको सिंपली यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको सबसे पहले ऑप्टेन मार्क डाल देनी है, आपका कितना मार्क्स आया वो आप डाल देनी है ऑप्टेन मार्क्स। एंड यहाँ मैक्सिमम मार्क्स में आप कितना का आपका एग्जाम हुआ तो वो डालेंगे, जैसे कि आपका 500 एग्जाम में हुआ था, 500 एग्जाम में 500 नंबर का तस्वीर पे आपको मैक्सिमम मार्क्स में 500 डाल देने, ऑप्टेन में जितना मार्क्स आया वो डाल देंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज जो है से यहाँ आपका शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको पासिंग ईयर आपको चूज कर लेनी है, किस ईयर में आप पास किए हैं वो अपना ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए मैं यहाँ अब यहाँ नेक्स्ट में आपका था इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन, आपको फर्स्ट में 12th इंटर का आपका क्वालिफिकेशन डालना है। तो सबसे फर्स्ट में ऊपर बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं वो बोर्ड नेम लिखेंगे। एंड सेकेंड में यहाँ इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे, स्कूल कॉलेज का नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट को आपको लिख देनी है, जैसे कि साइंस से आप पास किए हैं, आर्ट से पास किए हैं, वो सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद परसेंटेज, इस पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है सो परसेंटेज में है, सीजीपी में है, जिस भी माध्यम में है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ ऑप्टन मार्क्स डालेंगे, जितना आपका मार्क्स आया वो डालेंगे, एट मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, कितना में एग्जाम हुआ वो डालेंगे, एंड यहाँ परसेंटेज आपका शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पासिंग ईयर आपको चूज कर लेनी है, तो आप अपने पास के अपने अकॉर्डिंग जब आपने पास किया वो आपका यहाँ डाल देनी है। उसके बाद देखा था टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे, इसमें देखेंगे आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, डिप्लोमा है, डिग्री है, आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। उसको देखें यहाँ इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, आप किस स्कूल से पास किए हैं वो अपना यहाँ नाम देंगे, एंड सब्जेक्ट किस विषय से आपने किया वह सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। एंड यहाँ देखेंगे मंथ ऑफ ईयर पासिंग, आपका यहाँ मंथ और ईयर लिखना है, डे नहीं लिखना है, मंथ और ईयर लिखना है, आपने कब पास किया, जो कि डिप्लोमा या डिग्री जो आपने दिया वो कब पास किया। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज, सीजीपी, ग्रेड में, किसी भी माध्यम में आपका रिजल्ट है जो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ ऑप्टेन मार्क लिखेंगे, कितना नंबर आया वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, आपको मैक्सिमम कितना है वो लिखेंगे, एंड यहाँ परसेंटेज आपको आ जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको ग्रेड में देंगे तो ग्रेड यहाँ आएगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। सारा डिटेल चलिए मैं डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगा। देखिए मैं यहाँ सारा डिटेल डाल देता हूँ, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे डाटा जो है सक्सेसफुली हो, ओके पर क्लिक करें, सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने आया हो, एग्जामिनेशन सिटी का आया, जो कि फर्स्ट में प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जो कि आपको किए गए है एग्जामिनेशन सेंटर 3 है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है प्रेफरेंस ऑफ टेस्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से स्टेट को चूज कर लेनी है, किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट में चूज करेंगे सिंपली उसी में आपका एग्जाम सेंटर देगा। देखिए फर्स्ट में आपने चूज किया था यहाँ प्रेफरेंस टेस्ट एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जिस भी राज्य का आपने चूज किया उस राज्य में कहाँ आपका एग्जाम देना चाहते हैं वो सीधे आपको यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जब देखें फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर मैंने चूज कर लिया, उसी प्रकार तीनों एग्जामिनेशन सेंटर 3 टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ चूज कर लेनी है। तो चलिए मैं चूज करके सारा डिटेल बताता हूँ।
देखिए मैं यहाँ जो तीन प्रकार के एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना था वो मैं एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लिया। अब उसको सेव पर सीधे आपको क्लिक कर देनी है। डाटा ओके हो गया, सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का यहाँ एंड पेमेंट का प्रीव्यू आपको सामने आया, जो कि फर्स्ट में आपका बताता है अपलोड योर स्कैनड कॉपी रिसेंट पासवर्ड साइज फोटो कॉपी। आप फोटो यहाँ आपको फर्स्ट में जो कि फोटो को अपलोड करना है तो सीधे आपको क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखेंगे आपको यहाँ फोटो का साइज जो कि बताया जा रहा है आपको, वो आपको यहाँ देखेंगे फोटो का साइज जो बताया जा रहा है 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए जो कि फोटो का साइज, एंड DPI 200 DPI से कम होनी चाहिए। अगर आपका फोटो एंड सिग्नेचर रिसर्च करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर अपने अपने फोटो को रिसर्च कर सकते हैं। चलिए मैं फोटो को अपलोड करने के लिए सिंपली आपको जो ब्राउजर का ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ अपने फाइल में जहाँ भी आपका फोटो है वो फोटो को सिलेक्ट कर अपलोड कर लेनी है। मैं अभी मोबाइल से कर रहा हूँ, आप जिस भी माध्यम से करें आपको इसी प्रकार अपना फोटो को सिलेक्ट कर लें। चलिए मैं एक फोटो को अपना सिलेक्ट करके मैं आगे बताता हूँ। देखेंगे यहाँ मैं फोटो को अपलोड कर दिया हूँ। अब सेकंड में आता है योर स्कैन अपलोड योर स्कैनर सिग्नेचर। आपको यहाँ जैसे सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है, चलिए इसका मैं साइज देख लेता हूँ ये कितना कहता है सिग्नेचर का साइज। देखिए सिग्नेचर का साइज जो है इससे आपको यहाँ बताया जा रहा है 50 से 80 के बीच में सिग्नेचर का साइज आपको होना चाहिए जो कि फॉर्मेट JPG या PNG। तो उसी प्रकार ब्राउजर पर क्लिक करेंगे एंड आपको फोटो सिग्नेचर जहाँ कहीं भी हो आपको सिंपली उस पर क्लिक करके आपको फोटो को भी अपलोड। देखेंगे यहाँ सारा डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड कर दिया हूँ। देखिए यहाँ जो व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ या नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे जो एडिस है, जो देखिए ये जो कैप्चा आ रहा है सीधे इस इन बॉक्स में फिलअप करना है एंड फिलअप करके प्रीव्यू का ऑप्शन है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कर देने के बाद आपका प्रीव्यू जो है से सामने आ जाती है। आपको यहाँ अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है आपका किसी भी मिस्टेक ना हो। चेक करने के बाद सीधे आपको बैक जानी है, यहाँ देखेंगे बैक जाने के बाद सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आपका जो कि फाइनल सबमिशन हो जाता है आपका। देखिए आपका फाइनल सबमिट हो जाता है यहाँ से, जो ऊपर में देखिए राइट साइड में जो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और अपने फाइनल प्रिंट आउट को आप रख लीजिएगा। तो आप इस प्रकार अपने मोबाइल से NCL का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक के। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहले बार आए तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।